हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका वीरेन के व्लॉग्स में। आज है दोस्तों संडे और सब लोग एकदम आराम से उठे हैं। अभी बज रहे हैं 11:30 और घर थोड़ा सा आप देख सकते हो अनटाइडी है और इसको जल्दी से जल्दी हमें साफ सफाई स्टार्ट करनी है। काजल ने बेडरूम का बेड भी सॉर्टेड कर दिया है। वैसे मैंने घर वालों से कहा है कि आज झाड़ू और पोछा मैं करूँगा ताकि मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल सके कि भाई घर का काम में कितने एफर्ट्स लगते हैं। वैसे मैं पहले कर चुका हूँ बट उसको काफ़ी साल हो गए करे, तो आज फिर से वो मोमेंट मैं जीऊँगा, झाड़ू और पोछा मैं करूँगा। हम लोग आराम से बहुत रेस्ट करते हैं, 12 बजे को आ गया तो क्या? अब मैं फटाफट ये कर देता हूँ ना, झाड़ू पोछा मैं कर रहा हूँ ना आज। वही किस तरह से पकड़ लेके जा दी ना। अरे तो मैं कैसे, तो ले पकड़ इसको बड़ा। दोस्तों जैसे कि आपसे कहा था आज मैं झाड़ू मारूंगा और पोछा भी मैं ही मारूंगा, तो पहले तो पंखे को स्विच ऑफ कर लेता हूँ। हालत खराब होगी दोस्तों, पसीना देख रहे हो। सभी से दो ही रूम का हो, अभी हॉल का बाकी। हॉल का मेन होता है, हॉल का तो और भी बड़ा है। दोस्तों मैंने झाड़ू तो मार लिया था बट जैसे ही आपसे कहा, मम्मी को बाकी उसके किसी भी काम पे भरोसा नहीं आता, तो मम्मी को लगा कि शायद मैंने झाड़ू अच्छे से मारा नहीं है, तो मम्मी ने कहा पोछा वो लोग ही मारेंगे, यानी कि काजल और बिन्नी, तो मैं नीचे आ गया हूँ अभी। तो दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और काम करने के बाद मैं नीचे चला गया था दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने, तो अभी जस्ट घर पर आया हूँ, नहा लेता हूँ बिकॉज मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ आज। मम्मा आज थेचा बनाना, थेचा खाने का बड़ा मन कर रहा है, बड़ा मन कर रहा है थेचा खाने। शाम को बनाएगी पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस। तो आज का लंच का स्पेशल है चिकन करी और राइस। तो गाइस आज मैंने जैसे मम्मी को बोला था कि मुझे आज थेचा खाने का बड़ा ही मन कर रहा है, तो मम्मी महाराष्ट्र स्टाइल में थेचा बना रही है और जैसे कि आप देख सकते हो ये है बाजरे का आटा और मम्मी इसका ऑब्वियसली बाजरे की रोटी बनाने वाली है और काजल यहाँ पर लहसुन छील कर थेचा बनाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों ये मम्मी ने बाजरे की रोटी बना दी है, आप देख सकते हो किस तरीके से अच्छी तरीके से ये बाजरे की रोटी फूली हुई है। अभी एक और बाजरे की रोटी बनेगी जिसको मम्मी ने बेल के साइड में रखा हुआ है। ये हाथ से, इसको बेलन से नहीं करते, हाथ से करते हैं। अच्छा अच्छा, इसको बेलते नहीं है, इसको सिर्फ हाथ से ही रोटी जैसा बनाते हैं। तूने ये गोल हाथ से बनाया? हाँ। बाप रे। इसको ना ऐसे ही पाटने का, ऐसे ऐसे। अच्छा। तो वो जो ये आटा रहता है ना ऊपर ज्यादा, उसको ऊपर ही रखने का, ये नीचे का भाग कम आटा रखने का, ऊपर ऊपर ज्यादा धूल रखने का, थोड़ा सा पानी से ये आटे को साफ कर देने का। ओके, इससे क्या होता है जल्दी पकता है? जल्दी नहीं है, ये एक्स्ट्रा आटा निकल जाता है ना। अच्छा अच्छा, वो उठाते वक्त कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए उसमें आटा ज्यादा लगाते ऊपर, तो बाद में वो आटा नहीं चाहिए इसके लिए उसमें पानी लगा देते हैं। एक साइड से पक चुका है हल्का सा, मम्मी ने दूसरे साइड पलट दिया। इसको ऐसे कपड़े से सेकना। अच्छा, ज्यादा चीरेगी क्या? धीरे धीरे रोटी फूलने लग गई महाराष्ट्र स्टाइल में, लेकिन बहुत लोग को नहीं आता बनाने के लिए, पर ऐसा कुछ ही नहीं है, इसको आटा को अच्छे से गूंदो ना और उसको हाथ से वो करो, हाथ से बेलन लगाएंगे तो नहीं होगा, बेलन से टूट जाता है। अच्छा, उसको आटा अच्छा लगना चाहिए, फिर जिस तरफ कम आटा रहता है उसको नीचे रखो, जिस तरफ ज्यादा रहता है उसको ऊपर रखो, थोड़ा पानी लगा के उसको ये करो, तब एकदम सॉफ्ट, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना पड़ता है, मतलब एकदम। तब कैसे पता चलता है कि पक गया अच्छी तरीके से? फूल रहा है तो पक गया। अच्छा, पक गई दो रोटी हो गया ना। तो अपने बाजरे की रोटी दोस्तों रेडी हो चुकी है, देख सकते हो मस्त कलर आया है रोटी पे, अब हम बनाएंगे थेचा। तो मैं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? थेचा बना रहे हैं, इसमें ना ज्यादा तेल नहीं डालने का, थोड़ा सा मतलब वो चिपके ना, पीनट निकाल
अच्छा इसमें पीनट को तू हल्का सा ये करेगी, तो मूंगफली जिसको कहते हैं, तो हम लोग मूंगफली या पीनट को इस तेल में हल्का सा गरम करेंगे। मराठी में शेंगदाना, मराठी में इसको शेंगदाना भी बोलते हैं। तो ये गया हमारा शेंगदाना, इसमें हम लोग और चीज डाल देंगे ना तो ये कच्चा रह जाएगा ना शेंगदाना। शेंगदाना लाल हो गया तो इसमें लहसुन पानी रहा होगा ना, पानी भी डालने का, एक्चुअली ये कटोरी में पानी रहा होगा, थोड़ा लहसुन, थोड़ा कड़ी पत्ता, हरा धनिया और हरी मिर्च, खूब सारी हरी मिर्च, हम लोग तीखा अच्छा खाते हैं तो खूब सारी हरी मिर्च, थोड़ा नमक, वैसे स्वाद के अनुसार है पर इसमें ऐसा थोड़ा डाल देंगे तो पूरा जब उसको ना, तो वो पूरा फ्लेवर तो कूटने को थेचा बोलते हैं। जैसा कि ये वाली मिर्ची थोड़ी पक गई है ना, ये वाली वैसी सारी मिर्चियां पकेंगे। मम्मी ने कहा दोस्तों कि लहसुन को ज्यादा पकाएंगे नहीं, लहसुन कच्चा रहेगा तो उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, एकदम भी नहीं पकाएंगे, हल्का सा पकाएंगे। अब इसको मम्मी ने ठंडा करने रख दिया, हल्का हल्का सा थोड़ा सा ऐसा ब्राउन ब्राउन हुआ है, हल्का सा, हाँ ये चीज़ सॉफ्ट हो गई है, आराम से टूट रही है ना अभी। पहले सिंगदाना को अच्छे से लाल करना है, थोड़ा कम तेल, ज्यादा तेल नहीं, कम तेल। अब इसको मैं डालूंगी, तो मम्मी ने सारे इंग्रेडिएंट्स को सिल्वर टिप पे डाल दिया है और इसको अब थेचेगी जिससे ये थेचा रेडी हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों हमारा थेचा फाइनली रेडी हो चुका है और सब कुछ थेचने के बाद इस तरीके से हमारा थेचा दिखता है, वाह। और दोस्तों ये थेचा ना बहुत हेल्दी है, इसमें पीनट्स है, इसमें नमक है, हम लोगों ने रॉक सॉल्ट यूज़ किया है, फिर इसमें लहसुन है, कड़ी पत्ता, धनिया और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, ये दरदरा ही रहना चाहिए। तो हम अपने थेचे को बाजरे की रोटी के साथ एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों हमारा बाजरे का रोटी और थेचा फाइनली रेडी हो चुका है, जल्दी से इसको एंजॉय कर लेते हैं। स्वाद आ गया मुंह में, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया मुंह में ना, पूरा स्वाद आ गया मेरे, स्पाइसी भी अच्छा था। तो जल्दी से पानी पी लेता हूँ, ये देखिए कितना थेचा था, अभी इतना सही बचा है। मेरी मम्मी के हाथ में जादू है, मजा आ गया दोस्तों। डिनर तो हमारा हो चुका है, अभी फटाफट थोड़ा बहुत काम करके सो जाएंगे हम लोग। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।